स्टार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए, करिश्मा कला के अमृत सरोवर पर मौजूद है और हमारे साथ ग्राम प्रधान करिश्मा कला ज्ञान सिंह यादव और यहाँ के जो सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी है दीनदयाल निरंजन जी हमारे साथ मौजूद है और हम मौजूद है ये बताकर में। ये देखिए पंडित स्वर्गीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी कहीं ना कहीं इन्हें बुंदेलखंड का गांधी कहते थे और बुंदेलखंड का गांधी थे जी। और ये बात ऐसे विधायक थे जो तालवेर की कहीं ना कहीं पहचान थे और आज हम सबको कह रहे हैं कि पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी की नगरी तालवेर में हम रहते हैं और सुदामा प्रसाद के गोस्वामी के व्यक्तित्व के बारे में जितना बताया उतना कम है और जिस तरह से बनाया हुआ है ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव ने ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पहल है और इसकी कुंडला जी से सहयोगी से मॉनिटरिंग पर पास में आके दिखाइए पूरे को जिस तरह से पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये वाकई में ये अनूठी पहल है ग्राम परिसर कला में और सरोवर का जो है बता रहे हैं पूरा इतना सुंदरीकरण ग्राम स्तर पर होना एक बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पर सीधे सीधे बात करेंगे ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव जी से। ज्ञान सिंह यादव क्या महसूस कर रहे हैं, आपने सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी को भी जीवंत किया है यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी उनका बहुत अच्छा नाम इतिहास में रहा है और उनसे हमारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनका नाम कहीं ना कहीं आज आपने लिखा है इससे कहीं ना कहीं आज मान बढ़ा है, खड़ेसरा का भी साथ में नाम जुड़ा है। अभी तक तो तालवेर से जुड़े रहे सुदामा प्रसाद गोस्वामी, ये जो है अमृत सरोवर बनाई है इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। सभी की सहयोग से हुआ है, गांव वालों के सहयोग मिला और प्रशासन का जो हमारे मोदी की योगी जी की योजना है उनके अंतर्गत हमारा अमृत सरोवर बनाया गया है और उन्हीं की दिशा निर्देशों पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारे ग्रामवासी तो हमारा ग्राम परिवार बहुत इस चीज़ से खुशी है। दीदी ग्राम विकास अधिकारी दीदी निरंजन जी क्या महसूस कर रहे हैं, आपने इस विकास कार्य का अपनी कहीं ना कहीं हिस्सा रहे? जी सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं तो ये श्री पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी जो ऐतिहासिक इस भूमि में जुड़े रहे, राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े रहे, उनकी स्मृति की मैं हम लोगों ने ये प्रयास किया, अभूतपूर्व प्रयास है जी। और 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसकी खुशी में हम लोग सब लोग उनकी स्मृति में समर्पित होकर ग्रामवासी सब और ग्राम में जो सुविधाएं हैं जो शासन की योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आपका काम है। जी सर, वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा हुआ, राशन कार्ड हुआ, खाद का दूध सभी तरह की योजना, मनरेगा को क्रियान्वयन करना, सब योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। धन्यवाद। ये देखें पूरा हम दिखा रहे हैं आपको, ये अमृत सरोवर है और देखिए आप खुद देखिए आप कितना वाकई में पानी का संग्रह है और ये उस समय काम आएगा जब भीषण गर्मी पड़ती है, जानवर पानी के लिए परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशानी होती है, इससे जल स्तर भी बढ़ता है, इससे गांव व आसपास के क्षेत्र का जल पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और हम बताएं देखिए पूरा बोर्ड दिखा रहे हैं अमृत, पूरी कार्य योजना हम बता रहे हैं और ये कितना सुंदर बना हुआ है वाकई में, अद्भुत दृश्य है गाँव के हिसाब से कितना, और हाईवे से है देखना, और ये हाईवे भी दिख रहा है और तिरंगा माय देखिए यहाँ से चंद्रशेखर आजाद, क्या बात है, देश की उन महान मूर्तियों को यहाँ पर जीवंत किया है हमारे ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव ने और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस, क्या बात है, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं इनमें, लेकिन इनको लगा के कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये सब चीजें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल। और हमारे साथ ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव भी चल रहे हैं और वाकई में ये जो चीज ज्ञान सिंह यादव ने बनाई है ये और दूसरे गांव के लोगों को सोचना होगा और गांव के लोग ऐसे ही, गांव के प्रधान ऐसे ही विकास करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वाकई में बहुत उत्तम प्रदेश बन जाएगा। और ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह यादव कुछ कहना चाहते हैं और दूसरे ग्राम पंचायतों को क्या संदेश है? हमने मोलसरी के पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा, ये मोलसरी नहीं, और ग्राम पंचायतों में कुछ क्या संदेश देंगे, तालोट विकास खंड में और भी ग्राम पंचायतों ने भी करना चाहिए सर। हाँ, हमारी
लोगों को कामना है कि वो लोग भी ऐसे काम करें। और यहाँ चलिए एक रानी लक्ष्मी बाई का भी अपनी रहा है, चलिए और आगे भी दिखाते हैं। और ये देखिए, क्या बात है, हमारे जो झांसी की पहचान है महारानी लक्ष्मीबाई, आज कहीं ना कहीं हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान कहीं ना कहीं इन्हीं से होती है। महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र और उसमें वृक्ष, किस चीज का वृक्ष है? अशोक का वृक्ष लगा है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपने हमारी वीरांगना को आज जो जीवंत किया है, बहुत अच्छी बात है। और जो यहाँ पर देखने आएंगे कहीं ना कहीं महारानी लक्ष्मीबाई को भी याद करेंगे, क्योंकि आज हमारी पहचान महारानी लक्ष्मीबाई से है। झांसी की रानी का कहीं ना कहीं विश्व में भी लोहा मानते हैं लोग। और आप और इसके लिए हम आपको पूरे ग्राम प्रधान सहित हमारे ग्राम विकास अधिकारी सभी को धन्यवाद कि इस ग्राम पंचायत को इतना बेहतर काम दिया।